मार्क्स का ट्वेल्थ की फिजिक्स में एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके आने के 100% चांस हैं। तो आज का लेक्चर और बहुत इतने वीआईपी तरीके से आपको बताऊंगा, सीधे आपके माइंड में एंट्री कर जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन कहता है कि यह लंबाई की एक तावे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के प्रताप घूर्ण कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, जहां बी है चुंबकीय क्षेत्र, ओमेगा दोस्तों कोणीय वेग है बच्चों, और एल क्या है छड़ की लंबाई है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना, हमने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समझो हमने यहाँ पर एक छड़ बनाई और छड़ का नाम है OA। ठीक, और ये कहाँ घूर्ण कर रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये घूर्ण कर रही है, समझो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और माना कि छड़ घूमते घूमते इस वाली पोजीशन पे आ गई। ठीक, यानी इस पोजीशन को हमने ए नाम दे दिया, और जब यहाँ से छड़ यहाँ पर आई, छड़ दोस्तों वही है, ऐसा नहीं कि छड़ ये बदल गई, मतलब ये वाली छड़ इस पोजीशन पे आ गई। तो ऐसी स्थिति में इसने सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तय किया, सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तय किया, और हमने छड़ की लंबाई कितनी मानी है एल, तो इसकी लंबाई ये एल है, तो यहाँ पर भी ये छड़ एल लंबाई की है, क्योंकि छड़ तो वही है इस पोजिशन पर आ गई। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक चाप बन रहा है, है ना, किसी मतलब ये देखने में कैसा लग रहा है, किसी भी सर्किल का एक पार्ट सा महसूस होता है। ठीक, तो अगर हम इस सर्किल को अगर हम इसे रेडियस मान के चलें और इसे हम एंगल और इसे हम चाप कह दें, ये चाप बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है, कोण बराबर आपने पढ़ा होता, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी वैल्यू निकालूं तो कोण तो यहाँ पर डी थीटा है, लेकिन चाप क्या है ए ए डैश, और त्रिज्या क्या है एल। इसका मतलब अगर हम ए डैश की वैल्यू निकालूं तो ये बनेगा एल डी थीटा, मतलब बच्चों ए डैश की जो दूरी है ये एल डी थीटा हो जाएगी, क्या हो जाएगी एल डी थीटा, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक एल डी थीटा। ठीक, इस टाइप से एल डी थीटा दूरी निकल के आती है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण डी थीटा, चाप ए ए डैश है, इसकी तो मल्टीप्लाई की, इसको इसमें इंक्लूड किया तो एल डी थीटा बना। अब देखिए, हम मान रहे हैं कि छड़ की लंबाई तो एल है, लेकिन हमने मान लिया कि छड़ सूक्ष्म समय डी टी में ठीक कोणीय विस्थापन डी थीटा दूरी तय कर लेती है। माना कि छड़ सूक्ष्म समय डी टी में कोणीय विस्थापन डी थीटा तय करती है। जब कोणीय विस्थापन डी थीटा तय करती है तो ये आकृति एक त्रिभुजाकार बन जाती है, समझो ऐसा फील होने लगता है। तो इस क्षण ने इस दौरान उसने मतलब कितनी एरिया कवर की, तो एरिया जो उसने कवर की त्रिभुजाकार एरिया कवर की है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि छड़ OA द्वारा तय किया गया क्षेत्र का ये एरिया त्रिभुज की तरह है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज OO डैश का क्षेत्रफल, मतलब छड़ उतना ही क्षेत्रफल तय करेगी जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि एक त्रिभुज त्रिभुज सा बन गया है, और त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या रहेगा एल हमने मान लिया, और ऊंचाई क्या है इस एंगल के सामने वाला जो मतलब है भुजा, ये ऊंचाई कहलाएगी यानी हाइट कहलाएगी, तो ये एल डी थीटा हो गया। ठीक, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो एल स्क्वायर डी थीटा, ये ए के बराबर निकला। अब जो अगर हम इसमें टी के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं, यानी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अगर इसका टी के सापेक्ष अवकलन करें तो ये बनेगा डी ए अपॉन डी थीटा इक्वल टू, देखिए अवकलन या इंटीग्रेशन हमेशा उन्हीं चीज़ों का होता है जो कांस्टेंट सॉरी जो वेरिएबल चेंज मतलब चीज़ें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। ठीक, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 1/2 और एल स्क्वायर, इनका डिफरेंशियल नहीं होगा,
वन बाई टू एल स्क्वायर आगे आएगा और डी थीटा को लिखा जाएगा डी थीटा बटे डी टी। बच्चों अब देखिए ऊपर से मिटा दें, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए डी ए बटे डी थीटा सॉरी डी टी इक्वल टू वन बाई टू एल स्क्वायर डी थीटा बटा डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या है? कोणीय विस्थापन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर दोस्तों कहलाती है ओमेगा, इसे हम कहते हैं कोणीय वेग। ओमेगा क्या है यहाँ पर? कोणीय वेग, याद रखना कोणीय वेग। ठीक, तो डी थीटा और डी टी की जगह पर आएगा ओमेगा। क्या आएगा? ओमेगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्षण द्वारा, क्योंकि क्षण क्या कर रही है? समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है ना, तो क्षण द्वारा मतलब संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्षण द्वारा संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इसके कनेक्ट में कितना चुंबकीय फ्लक्स मतलब क्लियर हो रहा है, तो हम वो बात लिखेंगे। हम लिखेंगे क्षण ओए द्वारा, ओए द्वारा संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों फाइव बी इक्वल टू बी ए। ठीक, अब b b की वैल्यू क्या है? अगर हम इसका भी डिफरेंशिएट करूं मतलब t के सापेक्ष, यहां पर लिखते हैं t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। अगर हम इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करें तो ये बनेगा d phi b upon dt इक्वल टू b, इसमें कांस्टेंट है b आ गया आएगा, d a का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि a यहां पर वेरिएबल है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एरिया चेंज होती रहेगी ना जैसे जैसे ये मतलब चक्कर लगाएगी, तो ए का डिफरेंशियल हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी। अब देखिए आपने फैराडे के नियम में पढ़ा था कणम चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर कहने का मतलब डी फाई बी अपॉन डी टी इक्वल टू ई होता है, याद रखना। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ई कहलाती है, तो इसकी जगह पर ई आ जाएगा। ठीक, और डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से हम प्रूव कर देंगे वन बाई टू एल स्क्वायर ओमेगा, तो ई बराबर फार्मूला प्रूफ होकर आ गया वन बाई टू बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक, मात्र कहेगा इसका वोल्ट। तो चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के 100% चांस है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा, और कमेंट में ये बताना कि अब हम आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो उसी टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।